वेलकम टू इंग्लिश आवर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से क्या कल से ही लगातार विषय जा रहा है हैप्पी टीचर्स डे। सो दैट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द इंग्लिश आवर ट्राई मॉक, सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ग्रीटिंग्स को हमने दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन अभी हमारा गिफ्ट बचा हुआ है जो आपको देना हुआ है। वो गिफ्ट हमारा ये होगा कि आप अपने एग्जाम्स में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा रिजल्ट होगा आपका, वही हमारे लिए गिफ्ट होगा। तो प्लीज गिफ्ट देना मत भूलना आप लोग, हमें गिफ्ट चाहिए। और गिफ्ट कैसे मिलेगा, जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे वही हमारे लिए गिफ्ट होगा। तो आप आज मैम नहीं है, किसी रीजन की वजह से वो छुट्टी पे है, इसलिए आज मैं ये क्विज दे रहा हूँ। दूसरी जरूरी बात यह कि आज का क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो BLM के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आज के इस सेक्शन में जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मोर ओवर वो साइंस पार्ट से मिलेंगे, और साइंस पार्ट में भी ज्यादा आपको फिजिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपके लिए फाइनल के पहले का सेमीफाइनल होगा, और मतलब जो BLED के उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी चाहे वो BGMC है, चाहे BCA है, चाहे HM है, IPU का है, या BBA है, BMS है, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है। आज फाइनली IPU की भी डेट शीट आ चुकी हुई है, फ्लिपकार्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन डेट शीट फाइनली आ चुकी हुई है। जो BBA का पेपर है वो 14 तारीख को हो रहा है, 14 को हो रहा है, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आप तक मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे आज के क्विज के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम क्विज खेलेंगे और देखेंगे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो एक बार हमें मिल जाए परमिशन सर की तरफ से, फिर बिगिन स्टार्ट। और कुछ कल बात चल रही थी ट्राई मॉक के लिए, कि ट्राई मॉक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो नाउ ट्राई मॉक इज कम्प्लीटली ओपन एंड इट्स वर्किंग। यू कैन गो देयर, यू कैन लॉग इन। आप जाओ, अपना सेलेक्ट करो, प्रोफाइल बनाओ, वहां से आप टेस्ट सेलेक्ट करो, जो भी आपका डिजायर्ड सिलेक्शन है, स्ट्रीम है, वो सिलेक्ट करके आप एग्जाम्स को दे सकते हो। तो कैन वी गो? ओके, सर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है हमें, वी कैन स्टार्ट। मैंने टाइमर भी लगा दिया होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? आपके ऑप्शंस हैं ए अबैकस, बी कैलकुलेटर, सी टर्निंग मशीन, या डी पास्कलाइन। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है, अबैकस, कैलकुलेटर, टर्निंग मशीन, पास्कलाइन। जस्ट 2 सेकेंड रहेंगे आपके पास जवाब देने के लिए, टाइम इज ओवर। द राइट आंसर इज ए अबैकस, अबैकस इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो अबैकस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन? जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट ऑप्शन जो था, वहां से क्वेश्चन बन गया। आपके ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, एलन टर्निंग, ली डी फॉरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो। आपको समझना है कि बस कई बार जो साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं वो नाम के बेसिस पे हुए हैं, और आपको उसके हिसाब से जवाब देना हुआ है। आपका टाइम बस ओवर होने वाला है, 3 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास, टाइम अप। राइट आंसर इज ब्लेज पास्कल, जो पास्कलाइन नाम है, ब्लेज पास्कल के नाम पे ही वो नाम पड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बहुत ही नया सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आप आने वाले टाइम में देखोगे, जैसे आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, वैसे ही आने वाले टाइम में आप कोडिंग और AI पढ़ोगे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स। आपके ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, ली डी फॉरेस्ट, जॉन मैकार्टी, GP एकर्ड। जल्दी जल्दी ऑप्शन, चार्ल्स बैबेज, ली डी फॉरेस्ट, जॉन मैकार्टी और JP एकर्ड। आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। आपके पास लगभग 5 सेकंड बचे हुए सही जवाब देने के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। और अगर आपको इसके बारे में, AI के बारे में ज्यादा पढ़ना है, तो एलन मस्क का पॉडकास्ट आप जरूर पढ़ें, जो टेस्ला के ओनर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज सी जॉन मैकार्टी, सही जवाब है जॉन मैकार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आपके ऑप्शन है परम, दूसरा है CRAY-1, क्रे वन,
तीसरा है पैस्कलाइन या चौथा है इन्हीं एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चारों ऑप्शन से आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फिर चीज बता दूं, परम इंडिया का कंप्यूटर था जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर था वो इंडिया का परम था। आपके चारों ऑप्शन में से आपको बताना है वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। बहुत जल्दी जवाब देना, आपको बहुत अच्छा क्विज है, अच्छा खेल रहा है, मुझे मेरे पास आ रहा है कि आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एंड द टाइम इज अप, द राइट आंसर इज डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म कंप्यूटर वॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन है जिन्होंने कंप्यूटर वॉर्म का शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। एंड द टर्म द वर्ड इज कंप्यूटर वॉर्म, ऑप्शन से आपके जॉन ब्रूनर, एलन टर्निंग, जॉन मैकार्थी, जेपी एकर्ट। आपने देखा होगा मैंने कहा था कि फिजिक्स का सेक्शन आपको ज्यादा मिलेगा एंड देयर इज कमिंग ट्रू। ऑप्शन से आपके आपको जवाब देना है इन चारों में से किसने पहले कंप्यूटर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जॉन ब्रूनर, एलन टर्निंग, जॉन मैकार्थी और जेपी एकर्ट। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज जॉन ब्रूनर, ए इज द राइट ऑप्शन, जॉन ब्रूनर इज द राइट ऑप्शन जिन्होंने कंप्यूटर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड, which was first virus detected on ARPANET, the forerunner of the internet in the early 1970s. मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। Just because of work pressure, we tend to forget something and we forgot to attach our microphone. We are really very sorry for that. So which was the first virus detected as on ARPANET, the forerunner on the internet in the early 1970s? आपके options हैं EXE file, executive file, that is what we call executive file, creeper virus, peeper virus or trojan horse. जल्दी से 3 seconds बचे हुए हैं क्योंकि आपके पास पहले से ये शो कर दिया गया था। exe file जिसको हम executive file बोलते हैं, creeper virus, peeper virus और trojan horse, यानी computer का section और physics का section आपको ज़्यादा मिलेगा आज के paper में, तो बहुत important रहने वाला है आपके लिए। And time is up, the right answer is B, creeper virus. Next question, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं आपको ज़्यादा time दूंगा इसमें। फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन की तरह से जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन हैं आपके, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर, बी है इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू केबल्स टू शेयर द डेटा इंफॉर्मेशन एंड अदर कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज, सी है a computer network that covers a broad area, that is any network whose communications link cross metropolitan, regional or national boundaries, d hai a computer network covering a small physical area like a home, office or small group of buildings such as school or an airport. maine aapko shuru se bataya hua hai ki aapke in papers mein jo sabse important link hota hai wo link hota hai ki jitni jaldi aap wrong options ko eliminate kar sakte hain wo sahi jawab ho sakta hai aapko. aapko jo bhi wrong options hote hain usko eliminate karna hota hai, isme aapne wrong options ko agar eliminate kar diye to aapko sahi jawab bahut jaldi mil sakta hai. to your time is up, the right answer is c, a computer network that covers a broad area, that is network whose communications link cross metropolitan, regional and national boundaries. थोड़ी देर वेट करें, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आपने देखा होगा कंप्यूटर्स और फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, आपको बताना है कि कौन सा आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का है वो है। द ऑप्शंस आर एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बोथ ए एंड बी और एमएस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम डेटा से इनपुट करते थे, टाइप करके इनपुट करते थे, ये हमारे टाइम में हुआ करता था। सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, आपके ऑप्शंस एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, बोथ ए एंड बी एंड एमएस डॉस। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर भी हम किसको कहते हैं, आपके ऑप्शंस हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, एमएस डॉस, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। फिर की वही है जैसा कि मैं हमेशा बताते चला आया हूँ आपको, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, अगर आपको राइट आंसर पता है तो दो, अदरवाइज रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। द टाइम इज अप, द राइट आंसर इज डी, लैंग्वेज प्रोसेसर इज द राइट आंसर फॉर दिस वर्ड, फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड, प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? आप सबके घर में प्रिंटर होगा या आपने देखा होगा, लेकिन ये पहली बार क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं अल्फाबेट पर स्ट्राइक, वर्ड्स पर इंच, स्ट्राइक पर इंच या डॉट्स पर इंच। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, बिल्कुल जल्दी से आप जवाब दें। और ये वीडियो हम सेव करने वाले हैं, आप जितने भी लोग चाहे वो BMS हो और खासकर वो बच्चे जो BCA देना चाह रहे हैं, इस वीडियो को अपने एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक बार देख लें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। डेलिबरेटली इस बार पेपर जो हमने उठाया था GK का, वो कंप्यूटर सेगमेंट से उठाया था। एंड द राइट आंसर इज डॉट्स पर इंच, जो होता है प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, एनिमल बिहेवियर, सेल्स एंड टिश्यूज। एनाटॉमी, अक्सर मैंने स्टोरी सुनाई है, जो मेरे अपने स्टूडेंट होंगे उनको मेरी कहानी जरूर फेमस होगी, ह्यूमन एनाटॉमी वाली, जो हम डॉग कार्कस की कहानी सुनाया करता था। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम अ टीचर आई एम अ स्टोरी टेलर एज वेल, तो उनको कहानी मैंने सुनाई हुई है। आपको बताने हैं कि एनाटॉमी कौन से साइंस का ब्रांच है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स या एनिमल्स बिहेवियर। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मानव शरीर, इसका जो शरीर की संरचना होती है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी यानी संरचना, जो हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, कैंसर, मैमल्स एंड सॉइल। बहुत आसान वर्ड है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑन्कोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जहां पे उस बीमारी का इलाज किया जाता है। वो कौन सी बीमारी है जो ऑन्कोलॉजी के अंडर आती है, आपको बताना है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे ऑन्कोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। आपके ऑप्शन है बर्ड्स, कैंसर, मैमल्स और सॉइल। द टाइम इज अप, द राइट आंसर इज कैंसर, हम सबने सुना हुआ है। ऑन्कोलॉजी जो होती है वो कैंसर के अंडर होती है। नेक्स्ट, न्यूमिसमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन है आपके पास कॉइन्स, नंबर्स, स्टैम्प्स और स्पेस। न्यूमिसमैटिक्स, और जो ये पढ़ाई करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमिसमैटिक्स। इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, नंबर्स, स्टैम्प्स, स्पेस। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज कॉइन्स। और एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है स्टैम्प्स। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग स्टैम्प्स की पढ़ाई करते हैं उनको हम बोलते हैं फिलैटलिस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में आता है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि न्यूमिसमैटिक्स किसकी पढ़ाई की जाती है, कॉइन्स की, और नंबर्स की जो कहते हैं उनको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टैम्प्स को फिलैटलिस्ट और स्पेस को जो लोग स्पेस में जाते हैं उनकी बात करते हैं हम। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शंस हैं डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट्स, पीपल ऑफ यूरोपियन रीजन। और लास्ट ऑप्शन है ऑल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक्स कंपोनेंट्स। आप रिलेट करो जो उसका वर्ड है यूजेनिक्स में से, जो वर्ड आया हुआ है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड उससे आप रिलेट कर पाओगे। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो इसका सही जवाब मिल जाएगा आपको। साइंस का बायो का क्वेश्चन है, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट्स, पीपल ऑफ यूरोपियन रीजन, ऑल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाई चेंजिंग देयर जेनेटिक्स कंपोनेंट्स। और इसका सही जवाब है डी, ऑल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाई चेंजिंग देयर जेनेटिक। वर्ड आप देखोगे जेनेटिक वर्ड को जीन से लिया गया है और जीन वर्ड से जेनेटिक्स के आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ नॉइज, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये क्वेश्चन क्लास में हमने कई बार किया है। ऑर्निथो रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है ये आपको बताना है। अगर वो आप बता दोगे तो आप बता दोगे कि ऑर्निथो किसके लिए कहता है, प्लांट्स, बोन्स, नॉइज, बर्ड्स। टाइम इज अप, द राइट आंसर इज बर्ड्स। ऑर्निथो जो वर्ड होता है वो हम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है ऑर्निथो। एपिडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडोडर्मिस डिजीज, डर्मिस डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, नन ऑफ द अबव। जल्दी से, बहुत जल्दी आपको जवाब देना है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोडर्मिस डिजीज, डर्मिस डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, नन ऑफ द अबव। जल्दी से, बहुत जल्दी से चारों में से क्या सही ऑप्शन है आपको बताने हैं। योर टाइम इज अप, द राइट आंसर इज एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक की डिजीज को हम एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी एपिडेमियोलॉजी स्टडी बोलते हैं। आप नाम से रिलेट करोगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन, नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम केक वॉक की तरह से होना चाहिए आपके लिए। बहुत जल्दी से और सही जवाब मिलना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं कैलोरीज, सेल्सियस, केल्विन, नन ऑफ द अबव।
and your time is up. The right answer is calories. Okay, name the instrument that is used to measure relative humidity. Aapke options hain hygrometer, hydrometer, barometer, mercury thermometer. गौर करने वाली बात है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, सिर्फ ह्यूमिडिटी की बात नहीं कर रहा है, इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है. आपको बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. आपके ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर. जल्दी से, बहुत जल्दी आप बताएं कौन सा इसका सही जवाब है. योर टाइम इज अप. द राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर. नेक्स्ट, name an instrument which is used to measure the density of milk. Aapke options hain lactometer, hydrometer, barometer or hygrometer. Kaun sa aisa device hai jo milk ki density ko measure karne ke liye istemal kiya jata hai? Lactometer, hydrometer, barometer, hygrometer. Jaldi se, bahut jaldi aap bataye isko. Bahut aasan question hai. Your time is up. The right answer is A, lactometer. जो वर्ड लैक्ट होता है वो मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कहीं भी आपको वर्ड लैक्ट दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये मिल्क के लिए पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ओमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर. जरूर पढ़ा होगा, अगर 9th-10th की फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ओमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर. जल्दी से, बहुत जल्दी आपको बताना है. वी आर रनिंग वेरी फास्ट एंड टाइम इज अप. द राइट आंसर इज ओमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स. ऑप्शंस हैं रिक्टर स्केल, अमीटर, हाइटोमीटर और ओमीटर. बहुत चर्चा में है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह से प्रिकॉशनरी आ रहा है कि आप अगर भूकंप आए तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए. पिछले दिनों में काफ़ी सारे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो वो कौन सा स्केल है जिस पे हम मेजर करते हैं, कौन सा स्केल है जिस पे मेजर करते हैं कि किस तीव्रता का भूकंप आया था, किस इंटेंसिटी का भूकंप आया था. एंड टाइम इज अप. द राइट आंसर इज रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल इज द राइट आंसर ऑन विच वी मेजर अर्थक्वेक. नेक्स्ट, फैथोमीटर. फैथम मतलब होती है गहराई. फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशियन डेप्थ. मैंने आंसर बता ही दिया है. साउंड इंटेंसिटी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है. फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशियन डेप्थ और साउंड इंटेंसिटी. बहुत जल्दी बताइए आप क्या ऑप्शन होगा. द राइट आंसर इज यस, करेक्ट, ओशियन डेप्थ. फैथम का मतलब ही होता है गहराई. कोरोना ग्राफ इज यूज्ड फॉर, अब ये देखने वाली बात है क्या कोरोना से रिलेटेड है ये. स्टडी द वीन्स, स्टडींग ब्लड प्रेशर, स्टडींग द आर्टरीज या ऑब्जर्विंग एंड ऑफन फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना. कोरोना ग्राफ इज यूज्ड फॉर व्हाट, स्टडी द वीन्स, स्टडींग ब्लड प्रेशर, स्टडींग द आर्टरीज, ऑब्जर्विंग एंड ऑफन फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना. किसका इस्तेमाल करते हैं हम आपको इन चारों में से, जल्दी से बताना है आपको. And the time is up. The right answer is observing and often photographing the sun's corona. Next question, what do you understand by aerodynamics? Jo mechanical engineering padhte hain usko padhna padta hai aerodynamics. It is a science of movement in flow of air or gas. It is a science of generative organs. It is a science of pleasure and pain. None of the above. Jaldi se, कहाँ पे हम एरोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जब आप मूवमेंट ऑफ फ्लो और एयर गैस पढ़ते हैं, जेनेटिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर एंड पेन के बारे में पढ़ते हैं, या तीनों में से कोई नहीं. जल्दी से. एंड द टाइम इज अप. द राइट आंसर इज, इट इज अ साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ एयर एंड गैस. जो एरो वर्ड है, एरोडायनेमिक्स, आपने देखा होगा जो फ्लाइट होते हैं, प्लेन होते हैं, उनमें एरोडायनेमिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. जो रेसर कार होती है, उनका जो शेप होता है वो वी शेप का होता है, जिससे वो एक गिवन क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कट कर सकें. तो एरो वर्ड अगर कहीं आता है तो आप ये लगा लें अंदाज़ा कि वो एयर के बारे में ही बात कर रहा है. इसीलिए रेसिंग कार आपने देखो कि फरारी वगैरह जो रेसिंग कारें होती हैं, देखो कि बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया उनका कम हो जाता है और एयर को, एयर प्रेशर उनके ऊपर कम लगता है. व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ फूड, study of fruit, study of mosses and liverworts,
study of rings. जल्दी से, what is biology? Study of food, study of fruit, study of mosses and liverworts, और study of rings. बहुत जल्दी से आपको बताना है कि biology क्या होता है. And the time is up. The right answer is study of mosses and liverworts. Next, chirology is the study of hands, feet, comets, skull. आपको जवाब दे रहे हैं hands, feet, comets, skull. And the time is up. The right answer is hands. Next, entomology is the study of enigmas, glands, enzymes, parasites that live inside larger organisms. Entomology is the study of enigmas, glands, enzymes, parasites that live inside larger organisms. Bio ke questions hain, lekin maine kaha tha ki aaj ke is में साइंस का सेक्शन ज़्यादा है. इस वीडियो को आप दो बार तीन बार जरूर देख लें आप एग्जाम देने से पहले, क्योंकि साइंस, फिजिक्स और कंप्यूटर्स के काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. एंड द टाइम इज अप. द राइट आंसर इज पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिजम्स. स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग द हैबिटैलिटी ऑफ द अर्थ टर्म इज जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स, जियोपोनिक्स और जियोबॉनी. स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग द habitability of the earth is termed as geology, geotechniques, geoponics or geogony. Jaldi se, ab sirf do questions aur reh gaye hain, then we will be done with the quiz. And the right answer is geotechniques. Next, the penultimate, the second last question. Thalassography is the science of sea, animal tissues, humidity, measuring heights. Thalassography is the science of sea, animal tissues, humidity, measuring heights. किसका हम स्टडी करते हैं थैलेसोग्राफी में? साइंस का, सी का, एनिमल टिश्यूज का, ह्यूमिडिटी का या मेजरिंग हाइट्स का? जल्दी से. एंड द टाइम इज अप. द राइट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर. वी यूज थैलेसोग्राफी फॉर द स्टडी ऑफ सी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. What is the meaning of the term topology? जो लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे उनको पता होगा टोपोलॉजी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं. It is the study of places and natural features, study of hair and its disorders, it is the study of shape and features of the moon, study of the theological salvation. Options: it is the study of places and natural features, study of hair and its disorders, study of shape and features of the moon, or study of theological salvation. And time is up. And the right answer is A. It is the study of places and natural features. So this is how we ended the quiz. I really enjoyed very much playing quiz with you. Thanks for being with us. And we've got just 4 days left for BLET and just 2 days left for BMS. So we are uploading the papers, even though we are very, very busy, but we are uploading the papers regularly. Go and take the test. Try to improve your marks as much as possible. Try to take help from us as much as possible from the given time and from the stipulated time we have with us in just 3 or 4 in couple of days. So thank you so much. For any queries, you can inform us, you can text us on the given number. And not last but not the least, thank you so much.